हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। बिहार राज्य में जो 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होनी है, तो रोज़ कुछ ना कुछ जो है वो नई चीज़ निकल कर आ रही है। नोटिफिकेशन जिस तरीके से इन्होंने, ऐसा लगता है कि हड़बड़ाहट में जो है वो जारी कर दिया है। कुछ ना कुछ जो है वो करेक्शन जो है वो हमें देखने को मिल ही रहा है। तो यहाँ पर हम 27 की डेट के जो भी करेक्शन हैं वो हम देखेंगे कि क्या जो है वो नया चेंजमेंट आया है। फॉर्म जो है वो पहले स्टार्ट हो गए थे, बट जो है अब कब स्टार्ट होंगे, इसकी अंतिम डेट कब होगी, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। और भी कुछ जो नया है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो बिल्कुल, हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो साइट पर हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर 27 की जो सबसे लास्ट जो अपडेट आई थी वह क्या है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको कल के वीडियो में ही बता दिया था कि जो शुद्धि पत्र आया है, विज्ञापन 26/2023 जो ऑब्लिक, ठीक है, तो ये इसमें जो है बिल्कुल दिखाया गया है कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, ऐसा नोटिफिकेशन में आया था। इसको चेंज करके कर दिया है, भारत का जो है वो नागरिक हो, यानी अदर स्टेट के बच्चे जो है फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर भी जो है वो डाउट है कि अदर स्टेट के बच्चे केवल प्राइमरी टीचर के लिए जो फॉर्म भर सकते हैं। अभी मैं आपको वह भी नोटिफिकेशन दिखाऊंगी, ठीक है, कि आप जो है वो केवल किसका फॉर्म भर सकते हैं। बिहार राज्य के जो भी बच्चे नहीं हैं, जो अदर स्टेट के हैं, चाहे वह है यूपी के हों, राजस्थान के हों। दूसरी जो आवश्यक सूचना जो है वह यह है कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी दो विषय, जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है, इसका चयन सामाजिक विज्ञान विषय के परीक्षा में कर सकते हैं। ये जो भी आवश्यक सूचना है या अदर स्टेट के बच्चों के लिए जो है नहीं हो पाएगी, उसकी वजह क्या है। यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने सीटेट जो मांगा है वह केवल प्राथमिक विद्यालय के लिए मांगा है, 1-5 के लिए मांगा है, और सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बनने के लिए उसे 9-10 का जो है वो फॉर्म भरना होगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो आप स्टेट टेट मांग रहे हो, यानी बिहार टेट मांग रहे हो, तो ऐसे में जो ये आवश्यक सूचना आपने केवल बिहार के बच्चों के लिए ही निकाली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राथमिक शिक्षक यानी 1-5 के अध्यापक बनने के लिए सीटेट पेपर 1 आपको चाहिए, या बिहार टेट पेपर 1 किया होना चाहिए। अब अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीटेट पेपर 1 क्लियर किया हुआ है, या उन्होंने आने वाला जो सीटेट है उसका फॉर्म फिल किया है, तो भी अप्लाई कर सकते हो। जो बच्चे बीएड लास्ट ईयर के हैं और साथ में सीटेट का फॉर्म भी उन्होंने भरा है, वह भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर देखिए, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए एसटेट, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, एसटेट मतलब कि बिहार टेट की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। और पीजीटी उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए भी एसटेट पेपर 2 यानी बिहार टेट पेपर 2 में पास होना जरूरी है, ऐसा जो है यहाँ पर इन्होंने लिखा है। अब इसमें जो है वो जरूर करेक्शन होगा, उसकी वजह क्या है, कई सालों से जो है बिहार टेट नहीं हुआ है, ऐसे में सीटें जो हैं वो इतनी सारी जो हैं वो बिल्कुल खाली हो रह जाएंगी, फॉर्म ही नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि अदर स्टेट वालों को इन्होंने एलिजिबल किया नहीं है इन दोनों कंडीशन में, ठीक है। तो इनको करेक्शन तो फिर से करना पड़ेगा। तो फिलहाल जो है आप लोग केवल प्राइमरी टीचर बनने के लिए ही फॉर्म भर पाएंगे, किसी भी स्टेट से हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कई जो बच्चे होते हैं, जैसे यूपी का जो बच्चा है जिसने बिहार टेट का एग्ज़ाम दिया है, राजस्थान का है जिसने बिहार टेट का दिया है, ठीक है, तो वह तो अप्लाई कर ही पाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो अदर स्टेट के हैं जिन्होंने बिहार टेट नहीं दिया है, केवल सीटेट पेपर 1 क्लियर कर रखा है, तो वह प्राथमिक शिक्षक के लिए अप्लाई कर पाओगे। इसमें भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं, 80,000 जो हैं वो अपने आप में भी काफ़ी हैं, जिसमें 50% तो महिलाओं के लिए ही आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनको बिल्कुल भी मौका नहीं गंवाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक, अगर आपने सीटेट पेपर 1 क्लियर किया है, तो आप जरूर इस फॉर्म को भरें और जरूर जो है वो इसकी तैयारी भी करें। वैसे भी आपका जो है वो 80% तो तैयार रहता ही है, क्योंकि आप लोग जो है टीचर बनोगे, टीचिंग की तैयारी आप काफ़ी समय से करते भी आ रहे हैं।
उसके बाद जो है शुल्क जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जो है 750 रुपये लगेंगे, ठीक है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए कितने लग रहे हैं? 750 रुपये। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जहाँ पर महिलाओं के लिए 50% जो है वो आरक्षित हैं सीटें, वहीं पर फीस भी बहुत कम है। सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार के लिए केवल 200 रुपये फीस है यहाँ फॉर्म भरने की। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक तो 50% आप लोगों की सीट पहले से ही रिजर्व कर दी गई हैं, और यहाँ पर फीस जो है वो आप देखें 200 रुपये ही है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं जो भी जनरल कैटेगरी यानी कि जो लड़के हैं, जो बॉयज़ हैं, तो उनके लिए जो है ये फीस है 750 रुपये। किसी भी कैटेगरी के हों आप, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलता है, तो आप सभी को जो है वो सामान्य अभ्यर्थी ही माना जाएगा, जनरल में ही काउंट किया जाएगा। कई बच्चे कहते हैं कि हमने जो ओबीसी सर्टिफिकेट जो है बनवाया है हमारा जो है वहाँ पर हो जाएगा लागू, ऐसा नहीं है। अगर आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं तो ही आपको आरक्षण मिलेगा, अदरवाइज आप लोग सभी जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। जितने भी बॉयज़ हैं उनको 750 रुपये जो है वो पे करना होगा, जितनी भी महिलाएं हैं चाहे वो बिहार की हों चाहे किसी भी स्टेट की हों, सभी के लिए केवल 200 रुपये हैं। तो देखिए यहाँ पर फॉर्म भरना जो है वो कब से स्टार्ट होगा, फॉर्म की लास्ट डेट कब होगी, कई बच्चे जो हैं यह भी पूछ रहे थे। तो यहाँ पर आप देख लें, सबसे पहले आप जो है वो आप साइट पर विजिट किया करें, www.bpsc.bih.nic.in, ठीक है, इस पर आप देखें। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो डेट है वो 15/7/2023 है, आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वह 5 अगस्त है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो है वह दिखा दी है। तो एक तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको जो है वो डेट याद रखनी है कि 15 जुलाई से जो है वो है आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और यह आपके 5 अगस्त तक चलेंगे, ठीक है। अभी नई चीज़ और भी हमें देखने को मिलेगी, और यहाँ पर जो अदर स्टेट के बच्चे हैं किसी भी स्टेट के, तो वह केवल और केवल प्राइमरी लेवल का जो फॉर्म है वही भर सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी का ही फॉर्म भर सकते हैं। 80,000 के समथिंग जो है इसमें वैकेंसी है जो कि काफ़ी है, ठीक है। और प्राइमरी के लिए आपको जो है सी टैट मांगा गया है, इतनी ही बात जो है आप लोगों के लिए अभी है। कोई भी नई अपडेट और आती है इस संबंध में तो वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, और आप लोग खुद जो है साइट पर विजिट किया करें, www.bpsc.bih.nic.in, ठीक है। किसी पर भी बिलीव ना करें, खुद जो है वो साइट पर जाकर और वहाँ पर देखा करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।